हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाइलिश सॉल्यूशन चैनल। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अपना डेट ऑफ बर्थ से एज कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है। तो डेट ऑफ फॉर्मेट का अलग अलग उसी एक मंथ का नेम है, ए साइड मंथ डेट और फिर ईयर, उसी से हम लोग एज फाइंड किए हैं। तो अभी हम लोग चलिए फिर से देखते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट सीट एक है, सीट क्रिएट कीजिए। ये सीट है, डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट यहाँ डालना, एज यहाँ डालना। तो सिंपल से आपको अगर फॉर्मेट चेक करना है कि आपका एक्सेल में किस तरह से फॉर्मेट स्टोर होता है, तो सिंपल से एक बार लिखना है टू डे, इसे क्लोज कीजिए, इंटर कीजिए। देखिए इस मेरा में अभी मंथ डेट और ईयर के फॉर्मेट में डेट करेंट डेट एक्सेप्ट करता है। तो इसी फॉर्मेट में हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। तो सिंपल से यहाँ हम लिखते हैं मंथ 4 अप्रैल, अप्रैल हो गया 14 2002। तो यहाँ पर एज फाइंड करने के लिए कौन भी डेट लिखना, डी एट डेट डी इफ इसको सेलेक्ट करना है, जो डेटा है कोमा देना है। करेंट का डेट के लिए हम लोग इससे कैपिटल टी ओ डी ए वाई टू डे, हम ब्रैकेट क्लोज करें, कोमा ईयर हमको फाइंड करना है। तो ईयर देना, ईयर ब्रैकेट क्लॉज इंटर के लिए। तो यहाँ 22 ईयर्स के फॉर्मेट में मांगे थे, तो 22 ईयर्स हो रहा है। इसी तरह और भी डेटा डाल के देखते हैं, आज करेंट का डाल के देखते हैं कि अगर आज का हम डेट डालते हैं 55/16/2024 तो क्या देता है। तो यहाँ पर देखिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, डेट इसे सेलेक्ट कीजिए, टू डे के डेट के लिए टू डे ब्रैकेट क्लोज कोमा फॉर्मेट, ईयर का फॉर्मेट में हम चाहते हैं तो ईयर का फॉर्मेट ब्रैकेट क्लोज इंटर 0 ईयर्स आज के डेट में, तो एक भी साल नहीं हो रहा, तो ये सही से फॉर्मेट में दे रहा है। और भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अगर जिसका फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट सेल का पहले आप लोग चेंज कर लीजिएगा, तो यहाँ से फॉर्मेट सेल में जाना है और यहाँ पर देखिए डेट है, डेट का फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ये सब भी चुन सकते हैं, और यहाँ से डेट का फॉर्मेट भी चुन सकते हैं, किस फॉर्मेट में अपना अरेंज कर सकते हैं। एज के लिए भी फॉर्मेट सेल में जाना है, और यहाँ पर जनरल है, अभी नंबर में जाकर नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं किस फॉर्मेट दिखना चाहिए, यहाँ पर ये सेलेक्ट है, तीसरा फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अब और भी डेटा का, बहुत सारे डेटा को हम लोग फाइंड करना है, तो फोर्थ में मंथ का नाम डाल दें, 3 तारीख 2001 ये हो गया, और रैंडम कुछ भी डालते हैं, 14/1/1952। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये सब किया हुआ, यहाँ पर जियो है। अब यहाँ से नीचे का हम लोग स्क्रॉल कर देंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह बहुत सारे हम लोग डेट ऑफ बर्थ को फाइंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके, धन्यवाद।